जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया बाबा कृष्णानंद डी के पंडा पुरवाया जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज दिन शनिवार है, तिथि चैत्र कृष्ण पंचमी, तारीख 28 मार्च 2016। अष्टावक्र गीता से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं आज। तो एक और प्रकरण है जन्म और मृत्यु को लेकर। जन्म होने से पहले माँ के गर्भ में रहना पड़ता है 9 महीने। मृत्यु अधिकतर बुढ़ापे के बाद मृत्यु का समय आता है, अधिकतर कोई पहले ही मर जाता है। तो जब गर्भ में रहता है मनुष्य तो कितने मजे में रहता है, और माँ बाप पिता माता जो है उसको बच्चे को गर्भ में दे करके उसको उसके माँ के पेट को छूते हैं और कहते हैं बच्चा लात मार रहा है और खेल रहा है, ऐसा करके खूब हंसते रहते हैं और आनंद लेते रहते कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, ऐसा कह के बहुत खुशी मनाते हैं। और जन्मदिन जन्म होता है तो जन्म का उत्सव भी मनता है बहुत, और फिर हर साल वही जन्मदिन मनाते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे और गाना करते हैं। लेकिन गर्भ में जो रहता है वो शिशु या बच्चा, उसकी बहुत दुर्दशा होती है। हमारा जो शास्त्र है, हमारे ऋषि मुनि जो हुए हैं, ये सब बातों का अनुसंधान करके सब बातों का निचोड़ या सत्यता का पता लगाए, उसको ज्ञान है। तो वही ज्ञान अष्टावक्र ऋषि जो है इसमें बता रहे हैं कि अष्टावक्र ऋषि नवा प्रकरण है, पृष्ठ संख्या 131। इसमें अष्टावक्र ऋषि ये कह रहे हैं कि शरीर और शरीर का भोग बुद्धि और वैराग्य ये क्या है वो सब समझा रहे हैं। समझाने के बाद वो कह रहे हैं कि मोक्ष जो है असल वस्तु है, बिना वैराग्य के मोक्ष नहीं होता है किसी का। कोई भोग विलास में लगा होगा और मोक्ष की कामना करेगा, वो कोई नहीं सकता ऐसा। तो पहले वैराग्य होता है, वैराग्य होने से ये सब छूट जाते हैं। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात की बताए कि चाय कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ छूट जाता है, खाना पीना भी सादा हो जाता है एकदम, ये सब बातें सब छूटता रहता है पूरा। तो वो उसका कारण वैराग्य। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन भोग बुद्धि में दोष दृष्टि देखना है। दोष दृष्टि जब तक नहीं होगा तो भोग वाली बात छूटेगी कैसे। भोग में अगर दोष दृष्टि नहीं होगा कि ये काम ये चीज कैसी किस तरह से गलत है हमारे लिए, तो वो जब तक कि ये चीज खराब है अच्छा नहीं है ऐसा बुद्धि जागृत होता है, उसको वैराग्य कहते हैं। तो उसमें योग वशिष्ठ का उदाहरण दिया। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है जिसको वशिष्ठ ने जी ने कहा है, लिखा है उसमें जो भी है। तो गर्भे दुर्गंधि भूयिष्ठे जठराग्नि प्रदीपतिते दुखम मयाप्तम यत्तस्मात् अकनीय कुंभिपाकजम। कुंभिपाक नर्क की बात है, अर्थात बड़ी भारी दुर्गंधि करके युक्त जो माता का उदर है और जो जठराग्नि में से प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है उससे कुंभिपाक नरक का भी दुख कम है। ये माँ का गर्भ जो है वो कितना दुखमय है उसका वर्णन है, और कह रहे हैं कि कुंभिपाक नरक जो कि बहुत भयंकर नरक माना जाता है,
उससे भी भयंकर कष्ट होता है माँ के गर्भ में बच्चे को। जठराग्नि जो है वो गर्म, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो उनको उसको बहुत कष्ट देता है। और उसके अंदर का गर्मी और वो नमक फुमक जो भी वो माँ खाती है, वो सब चीज़ें नाना प्रकार सब मिला जुला करके वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नरक है। एवं गर्भोपनिषद में भी गर्भ के दुखों का वर्णन किया गया है। जिस काल में गर्भ में जीव अति दुखी होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मैं जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को ही करूँगा, पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार में भोगों में फंस जाता है और गर्भ वाले दुखों को भूल जाता है, इसी कारण बार बार जन्मता और मरता है। इतना कष्ट होता है कि भगवान से प्रार्थना तो कर लेता है एक बार कि मैं साधना करूँगा, भगवान को प्राप्ति करके मेरी मुक्ति हो जाएगी तो मैं फिर जन्म नहीं लूँगा, लेकिन जन्म लेने के बाद वो सब भूल भाल जाता है और फिर भोग में आसक्त होकर के भोग वृत्ति में पड़ा रहता है, उसमें बंधन में फंस करके फिर बार बार जन्म होता है। उसी तरह मृत्यु शिव गीता में शिव जी के प्रकरण में शिव गीता में कैसे मृत्यु कष्टदायी है उसका वर्णन हुआ है। अर्थात जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है तब घबरा करके पुकारता है, भारिये अपने धर्म पत्नी को, भारिये हे धन, जो धन जमा कर रखा है उसको, और हे पुत्रों, अपने बच्चे पैदा कर रखा है उसको, मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ। ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक पुकारना है। सर्प के सांप के मुंह में मेंढक अगर फंस गया, मेंढक को खाता है सांप, तो जब ऐसे पकड़ लिया सांप मेंढक को तो वो जैसे अपने जान बचाने के लिए चिल्लाता है, उसी तरह आदमी मनुष्य जो है मृत्यु के समय ऐसे छटपटाता है। उसमें कहीं पे हमने पढ़ा था उसको कि बिच्छू से उसका तुलना करके कहे थे जैसे हजारों सैकड़ों हजारों बिच्छू जैसे एक साथ दंश मार रहे हों, ऐसा कष्ट होता है मृत्यु के समय, अनिर्वचनीय कष्ट होता है। वैसे देखने को हमने ऐसा देखा नहीं है, हम दो तीन मृत्यु तो मैंने खुद देखा है अपने घर में। एक सबसे पहले मेरे जो आई मतलब ग्रैंड मदर आई, मैं छोटा बच्चा था एकदम, दो ढाई साल के रहा हुआ या तीन साल के, वहीं पे मैं खेल रहा हूँ और वहीं पे आई बैठी हुई थी और वहीं वो लुढ़क गई। उनका नाम भी लक्ष्मी, मुझे वो नाम याद रहता है। वो कोई कष्ट उनको नहीं हुआ, वो चलने फिरने की हालत में थी, घर के काम काज भी संभालती थी, जमींदारनी थी, गौतिया घर की धर्मपत्नी थी, गौतिया की धर्मपत्नी थी, मेरे ग्रैंडफादर जमींदार थे, छोटा जमींदार गौतिया कहते हैं उड़ीसा में, तो नौकर चाकर थे, बहुत बड़ा मकान था गांव में, तो वहीं पे वो दरवाजे में बैठी हुई थी तो वहीं पे ऐसे लुढ़क गए, बस वहीं उनका गया, कोई छटपटाने वाली बात हमने नहीं देखा। उसी तरह जो मेरे ग्रैंडफादर का भी हुआ है, उनका भी वो हमारे घर में ही देहांत हुआ है उनका, और उनमें उनका भी कोई छटपटाने वाली बात नहीं। और लेकिन उसमें मुझे रोना आया था, थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैं बहुत रोया था, इतना मुझे याद है। बाकी पिताजी का, हमारा सगा मेरे पिताजी का मुरादाबाद में उनका देहांत हुआ, तो मेरा वो उनका वो यूरिन का प्रॉब्लम हो गया था, तो यूरिन नॉर्मल पास नहीं होता था, तो एक झोला उनको बांधना पड़ा था और उसी झोले में पेशाब निकलता था, उसको फिर हम लोग खाली करते रहते थे। इस तरह से थे, बहुत आराम से रहे, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ, सब सेवा, डॉक्टर वॉक्टर आते रहते थे, रेगुलर चेक, दवाई वही सब कुछ, सब ठीक ठाक था, लेकिन वो यूरिन वाला प्रॉब्लम जो था उससे उनको तकलीफ होता था बहुत, तो वो मुझे बहुत उससे परेशानी होती थी, पिताजी को कष्ट में देख कर, शारीरिक कष्ट। तो उनसे मैंने एक दिन पूछा
कि आपके मन में कोई बात है तो बताइए, कोई चीज अगर आपको परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक बात मैं हमेशा सोचता रहा कि हमारे सभी बच्चे जो हैं एक जगह बहुत बड़ा सा प्लॉट लेकर के बड़ा सा मकान बनाते और उसमें सब लोग एक साथ रहते। तो बच्चों में कितने हैं, 5 भाई और 2 बहनें, वो सबका हिसाब किए हुए हैं। या बहनों को भी अगर छोड़ दो, शादियों के चले जाएंगे, तो भाइयों 5 भाई एक साथ रहते, ये उनकी इच्छा थी। वो कभी बताई नहीं थी किसी को नहीं। तो मैंने क्योंकि खास करके पूछा, मुझे कुछ ऐसे अनुमान हुआ कि इनका समय अंतिम समय आ रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा ताकि उनको निश्चिंत कर दूं और कोई चिंता ले करके वो शरीर ना छोड़ें, जहाँ तक हो सके मुक्ति हो जाए। चिंता रहने से फिर पुनर्जन्म होगा, जो चीज़ सोच के आदमी मरता है फिर उसी में लौटता है। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा बड़े भाई तो IAS हो गए, मैं तो IPS में आके UP में आ गया, बाकी दोनों भाई वहाँ उड़ीसा में हैं, लेक्चरर प्रोफेसर हैं वो लोग, वो अपने एक राउरकेला में हैं, एक कुचिंडा में हैं, अलग अलग स्थानों पर हैं। तो सबसे छोटा भाई हमारा जो है दिल्ली में है, रेलवे बोर्ड में, तो इसलिए वो आजकल के ज़माने में अब ये संभव नहीं है। जब खेती बाड़ी करते हमारी ज़मीन जायदाद रहा होता, हम लोग नौकरी ना किए होते, तो वो तो संभव था, लेकिन अब वो संभव नहीं है। आप इसको बात को अच्छी तरह समझते हैं। मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट थे, हर मामले में इंटेलिजेंट थे और कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। हाँ, तो कहे कि हाँ मैं समझ रहा हूँ सब, ऐसा कह के। तो और कोई बात, तो बोले कि हमारे जो चौथा भाई है बीरेंद्र, उसका नाम बीरेंद्र किशोर पंडा, बीरेन कहते हैं उसको, बीरेंद्र, तो वो बीरेन की शादी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि शादी वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या मालूम क्या क्या होता रहा। मैं तो IPS में इधर चला आया, तो उधर घर में जाना आना कम हो गया, पैसा मैं भेजता रहा रेगुलर माता पिता के पास, और उसी में वो जाके कहीं लेक्चरर बन गया और फिर नौकरी करता रहा। फिर शादी क्यों नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उससे शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो माँ को भी बहुत चिंता, पिताजी को भी, अभी वो बता रहे हैं कि मैं ये चाहता था कि बीरेन की शादी हो जाती तो अच्छा होता, और शादी नहीं होने से मुझे थोड़ा उसका चिंता है। तो उस बारे में भी मैंने उनको समझाया, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से मैंने यही कहा कि जिसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है उसके पत्नी नहीं हो सकती है, ये भगवान का विधान है, और जिसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है उसका पुत्र नहीं हो सकता है, ऐसा मैंने समझाया। क्योंकि मेरा आध्यात्मिक साधना काफ़ी बढ़ चुका है तब तक, 1996 की बात है, तो उसको भी वो पिताजी समझ गए और बोले कि हाँ ये ठीक कह रहे हो, ये तो उसमें भगवान का भी हाथ है, बिना उनकी कृपा के कैसे होगा क्या चीज़। तो वो भी समझ गए, तो दो उनकी जो चिंताएं थी वो उससे मुक्त हो गई। तो उसके बाद फिर एक दिन जब मैं पूजा करता था सुबह बैठ के, तो उसमें फिर मैं भगवान से, उस दिन क्या मालूम कैसे हुआ कि भगवान से मैंने कभी कोई चीज़ मांगता नहीं था, निष्काम पूजा हमारा सेवा होता था भगवान का, लेकिन उस दिन मैंने भगवान से ये चीज़ प्रार्थना किया कि पिताजी कष्ट पा रहे हैं और अब बहुत समय हो गया है कष्ट पाते पाते, अब उनको मुक्ति दे दीजिए, छूट जाएं इस कष्ट से और उनका देहांत हो जाए तो अच्छा है, ऐसा मैंने प्रार्थना कर दी। अपने आप हुआ, बहुत सोच विचार के तैयार होकर के नहीं बैठे, और प्रार्थना करते पूजा करते 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 ये बात जो है हो गया। वो भी चिल्ला करके नहीं कह रहे हैं, ये मन से ये बात हुआ, आया और मन से निकल गया बस। तो भगवान तो सब चीज़ जानते हैं फौरन। तो बस उसके तीसरे दिन जो है उनका शरीर छूट गया, पिताजी का देहांत हो गया, और वो जो जिस दिन उनका देहांत हुआ है वो पर्व का दिन है, रामनवमी का दिन है, और 11:30 बजे करीब, तो भगवान राम का जन्म का समय है। जो मैं तो
गदगद हो गया, भगवान को बार बार धन्यवाद देता रहा कि इतने शुभ मुहूर्त में आपने देहांत कराया है पिताजी का, तो उनकी तो निश्चित रूप से सदगति होगी। और जिन लोगों ने सुना भी इस बात को, वो लोग भी आश्चर्य हो गए, बोले कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बोले। और जिस तरह से वो धर्मात्मा थे, उनके योग्य ही यही था, उनके लिए ऐसा होना चाहिए था और हुआ। तो ऐसी स्थिति है। तो मृत्यु में हजारों बिच्छुओं का दंश का दर्द या पीड़ा होती है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन हमने जो देखा है तीन लोगों का देहांत होने का, तो उसमें ऐसा देखा नहीं है चटकाने वाली बात। तो वो अंदर ही अंदर दर्द होता है, उसको बाहर प्रकट नहीं होता है, या जो भी है वो मुझे नहीं मालूम। शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते हैं, ये तो दिव्य दृष्टा होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो सब साक्षात सब जानते थे, अनुभव होता था उनको, सब बातें देख सकते थे, समझ सकते थे, इसलिए गलत तो नहीं है, सही होगा। वो तो मान के हमको सावधान होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं कि इसको समझ लो कि इसमें कोई सार नहीं है, जन्म होने में भी कोई सार नहीं है और मृत्यु में भी कोई सार नहीं है। तो ये सब बहुत कष्टदायक चीजें हैं, तो इसलिए जन्म मृत्यु में बार बार आना ना पड़े, ऐसा उपाय करो कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, तो बार बार आना नहीं पड़ेगा और मुक्ति हो जाए। तो इन सब सांसारिक चक्र से, दुखालय से, दुखों के चक्र से तुम छूट जाओगे, ये शिक्षा भगवान बार बार मनुष्य को देते हैं। सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।